अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 10K व्यूज़ ऑन माय फर्स्ट व्लॉग। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा आपसे। टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं करेंगे, आपने मेरा थंबनेल तो देख लिया होगा, तो सीधा चलते हैं रियान भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम, सो हर बार की तरह मैं आज भी लेट हूं। असी चलते की जाना साढ़े घर के कम नहीं। इससे पहले घर से कोई और काम मिलता मैं निकल आया, क्योंकि जब तक आप घर में रहते हैं ना तो आपके घर के काम ख़त्म नहीं होते। सो बेसिकली हमने आज एक इंसान से मिलना था, आपको भी दिखाते हैं कि नाम पढ़े जरा आप। हमारा नाम ARYAN अरियान। सो बेसिकली मैं भी फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहा हूँ, चेक करते हैं कैसा लगता है मिलके। सो मैं उनसे फॉर द फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैसी उनकी नेचर है, कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। और आप लोगों ने भी उनको सिर्फ स्क्रीन पे देखा होगा, आज हम उनको देखेंगे बैक द स्क्रीन। ठीक है, तो मिलते हैं अरियान भाई से। अरियान भाई, सो अब मैं उनके घर की बेल दूंगा और उनको बुलाता हूँ बाहर, लेट्स सी। नंबर प्लेट पे मैंने रख दिया हाथ, क्या अरियान भाई का भाई वेट है कि अरियान भाई आएंगे और गले लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अरियान भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए, सब कह रही है। और अरियान भाई तो कैमरा चुप ही फिर रहे हो ना यार, बस मैंने YouTube स्टार्ट कर दिया ना। अच्छा, मैंने कहा दूसरा शुरुआत आपसे हो गई, सेकंड व्लॉग आपके साथ। मुबारक हो यार, बहुत ज़बरदस्त है, आप अरियान खान को मिल गए, आप जल्दी फेमस हो जाए। अरियान भाई क्यों नहीं होना आपके नाम से। सो अरियान भाई अब आज 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 बड़ा लेवल का काम। एक यार अभी लड़की ने भेजी थी मुझे, जानता हूँ भाई आपकी तीन टांगे दो ही। हरियाण भाई क्या नाम है आपका, नेक्स्ट अपकमिंग सॉन्ग आ रहा है, कब आ रहा है? कुछ बहुत जल्द आ रहा है यार, बोहेमिया के साथ आ रहा है, रोज किला के साथ आ रहा है, आपके साथ नहीं करना चाह रहा मैं। क्यों? प्लीज नहीं यार, लता ही दबाओ गाड़ी उतर ना जाओ। अच्छा हरियाण भाई, आप इस इंडस्ट्री में सिंगिंग की किस तरह एंटर हो गए? यार मैं कोई सिंगर नहीं था, बस मुझे फेमस होने का शौक था आपकी तरह। जैसे आप टिकटॉक नहीं बनाते, मैं आपकी देखता हूँ अक्सर, बड़ी अच्छी होती है और अक्सर बहुत ही फारग होती है। तो इस तरह ही आप सिंगिंग में? जी जी, इसी तरह। तो आप बताइए जरा, गाना गा दें कोई? क्यों, मेरी मर्जी, आपका इसके लिए पैसे लेता हूँ। सिर्फ फैन को अपनी वो जो आपका एक नसीबो लड़का जो मैं पर्सनली मैं बहुत फैन बात है। तू जो मेरे हमेशा कोले रहे ते मैं दुनिया नु कैदा परे परे दिल दे के दुनिया चो कौन डरे, हाय दिल दे के दुनिया चो कौन डरे। बस बाकी लाख रुपए दौड़ा हो जाना। सो अरियान भाई, आप मिले हैं इंस्टाग्राम के किंग से जो मिस्टर फैसू हैं। जी जी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है उनसे? बहुत अच्छा, बहुत
ही ज़्यादा राउंड टू अर्थ बंदा है, बड़ा नाइस बंदा है, वैसा होना चाहिए हर आर्टिस्ट को। ठीक हो गया, और क्या नाम अपने फैंस को लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बस सपोर्ट करते रहें, थैंक यू सो मच, इसी तरह सॉन्ग सुनते रहें। ये भाई भी टिकटॉक यूज़ करते हैं, इनको रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, बहुत अच्छा लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैमरा में पर्सनैलिटी और रियलिटी में पर्सनैलिटी बहुत फर्क होता है। मुझे आज लगा, मुझे लगता था कि यार मैं सोना नहीं है रियलिटी। नहीं नहीं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन ना एटीट्यूड जो होता है एक बंदे का, वो मतलब मैं आपको वो बात है, जब आप ब्लॉग देखेंगे ना फिर आपको पता लगेगा कि यार इंशाल्लाह वेरी नाइस टू मीट यू, लव यू, लव यू। सो यहाँ पे मेरा ब्लॉग होता है एंड, और आपको बताता चलूँ कि यार जो एक बंदे को ऑन द स्क्रीन देखना और बिहाइंड द स्क्रीन देखना, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और ये लिटरली मेरे साथ बहुत फ्रैंक थे, आपने व्लॉग में भी देखा होगा कि यार कितना चिल सीन था, बट मैं टोटली कंफ्यूज था, क्योंकि यार अगर आप किसी बड़े बंदे को मिलते तो आपके माइंड में एक सेलिब्रिटी को मिलने से यही होता है कि यार ये मतलब मैं कुछ गलत ना बोलूँ, तो मेरे माइंड में तो यही था, बट उन्होंने मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया। और वो बहुत ही जॉली किस्म के और बहुत ही अच्छे बंदे थे एज अ भाई। सो यहाँ पे व्लॉग होता है मेरा एंड। Thank you.